गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं मेजर हरपाल सिंह अहलूवालिया। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 50 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इसे शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस चले गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1853 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत, बीपी सिंह और मैं यानी लेखक अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, बीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में यानी लेखक। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। शेरपा का मतलब है नेपाली मजदूर। और इसके बाद जो 12 शेरपा थे वो उनके साथ जा रहे थे। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। लेखक सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि वह जानता था यानी मैं जानता था कौन लेखक, कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3,000 फीट नीचे जा गिरेगा। स्थान की कमी के कारण सभी तंबू एक पंक्ति में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए, 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टाने थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थका देने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के तंबू, पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ बीपी सिंह बीमार पड़ गए, उनकी जगह फूदोर जी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं, यानी लेखक कह रहा है मैं बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। तो इस तरह से एवरेस्ट की चढ़ाई में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, यही पाठ आपको पढ़ना है। आज का यही होम।